अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर खालिद महमूद शाह है। मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जरी करते हुए 30 साल गुजर चुके हैं। मैं अलखलीज ऑर्थोपेडिक्स में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। हम अलखलीज ऑर्थोपेडिक्स में हर तरह की सर्जिकल और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स अपने पेशेंट्स को ऑफर करते हैं। जब हमारे पास मरीज आते हैं, उनकी स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि जोड़ों की बीमारी किस हद तक प्रोग्रेस कर चुकी है। अगर वो हमारे पास निस्बतन अर्ली स्टेज में आ जाएं, जल्दी आ जाएं, तो हम उनको वो ट्रीटमेंट्स भी ऑफर कर सकते हैं जिसमें सर्जरी इस्तेमाल नहीं की जाती, यानी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। अब ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी काफ़ी रिफाइंड हो चुकी हैं। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। प्लेटलेट लाइसेट एक ऐसी ऑप्शन है जो कि एक्यूट फेजेज़ में ही आपके ताज़ा चोट लगी हो उसमें लगाए जाते हैं। PRP उसकी दूसरी शक्ल है। फिर स्टेम सेल्स हैं जो कि उन मरीज़ों को ऑफर किया जाता है जिनकी डीजेनरेटिव चेंजेस यानी जोड़ वगैरह घिसने शुरू हो गए हैं, मगर वो ऐसी स्टेज पर हैं जहां पर रिप्लेसमेंट करना ज़रा मुनासिब नहीं होगा, या वो ऐसी स्टेज पर हैं, उम्र काफ़ी बीत चुकी है, तो उनके लिए कोई एग्रेसिव सर्जिकल प्रोसीजर्स ज़्यादा फीजिबल नहीं होंगे। ऐसी सूरत में उनके जोड़ों में स्टेम सेल्स का इंजेक्शन लगाया जाता है। हमारे यहाँ घुटनों की घिसने पर मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी की प्रोसीजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें आर्थ्रोस्कोपी है। आर्थ्रोस्कोपी से जोड़ को साफ करने के बाद उसी सेटिंग में उनमें स्टेम सेल्स का इंजेक्शन दे दिया जाता है। कई मरीज ऐसे होते हैं जिनमें घुटने की घिसने की वजह से उनकी चाल में फ़र्क आ जाता है। इस लंगड़ाहट की वजह से उनके कमर पर भी दबाव आता है, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से कमर की दर्दें और दूसरे जोड़ों की तकालीफ भी बढ़ जाती हैं। ऐसी सूरत में जब स्टेम सेल्स का इंजेक्शन घुटने के जोड़ में दिया जाता है तो उसी सिटिंग में हम कमर में और दूसरे जोड़ों को भी इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जिससे बहुत सारे मरीज़ फैज़याब हो चुके हैं।